हेलो एवरीवन, तो कैसे हो? आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द इरेगुलर मैजिकल स्कूल के एपिसोड 14। एपिसोड के स्टार्टिंग में मसाकी और जॉर्ज अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। वे बताते हैं वे लोग थर्ड हाई स्कूल से हैं और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। फिर तात्सुया भी अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। असल में तात्सुया को उन दोनों के बारे में पहले से पता था। इतने में जॉर्ज कहता है, मैंने कभी भी तुम्हारा नाम नहीं सुना है, लेकिन अब से मैं तुम्हारा नाम याद रखूँगा, क्योंकि केवल तात्सुया एक ऐसा व्यक्ति है जो कि 9 स्कूल कंपटीशन में अपना छाप छोड़ा है। तात्सुया जॉर्ज के बारे में भी कहता है और इसके बाद मियुकी को मैच के लिए रेडी होने को कहता है। फिर मियुकी वहाँ से चली जाती है। तब तात्सुया मसाकी से कहता है, क्या तुम्हारे मैच का समय नहीं हुआ है? जॉर्ज बताता है, उसका मैच कल है। फिर जॉर्ज तात्सुया से पूछता है, उसके मैच का क्या हुआ? तात्सुया बताता है कि वह इस कॉम्पिटिशन में भाग नहीं लिया है। तब जॉर्ज कहता है, तो हमें तुम्हारे प्लेयर्स को हराने में मज़ा आएगा, क्योंकि अगला मैच हम ही जीतने वाले हैं। अंत में मसाकी कहता है, तुम्हारा समय लेने के लिए माफ़ करना, और वे लोग वहाँ चले जाते हैं। सीन चेंज होता है, कॉम्पिटिशन का सीज डे का सीन दिखाया जाता है। होनुका का मैच चालू होने वाला होता है। एरिका देखती है कि सभी कंटेस्टेंट ब्लैक गॉगल्स पहने होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि पिछले मैच में होनुका ने चमकाने वाला मैजिक किया था, तो इस वजह से बाकी अदर कंटेस्टेंट देख ना सके और पानी में गिर गए, तो इस वजह से वे लोग चश्मा पहने हैं। फिर मिजुकी कहती है, क्या वह इस बार भी वही मैजिक यूज़ करेगी? कोई कुछ नहीं कहता है। फिर मैच चालू होता है। होनुका लेट से स्टार्ट करती है, लेकिन वह धीरे धीरे आगे निकल जाती है। फिर हमें पता चलता है कि जो थर्ड हाई स्कूल वाली बंदी है, वह केवल सनलाइट वाले पाथ पर चल रही है, क्योंकि उसने तो डार्क गॉगल्स पहने हैं। तो होनुका इसका फ़ायदा उठा रही है और डार्क वाले पाथ से आगे निकल जा रही है, और इस तरह होनुका यह मैच जीत जाती है। सीन चेंज होता है। चेयरमैन बताती है, पिलर ब्रेक कंपटीशन में केवल हमारे प्लेयर्स ही फाइनल में पहुंचे हैं, और वे लोग ये तीनों हैं। फिर चेयरमैन बताती है, टूर्नामेंट वालों ने उन्हें ऑफर दिया है कि क्या वे लोग ये मैच खेलना चाहेंगे कि इसे स्किप करेंगे, क्योंकि सभी को सेम पॉइंट्स मिलेंगे, सभी को फर्स्ट प्लेस मिलेगा। फिर हमें पता चलता है कि किटायामा यह मैच नहीं खेलना चाहती, वही सिजुकी मियुकी से कम्पीट करेगी। चेयरमैन मियुकी से पूछती है, आखिर तुम्हारा राय क्या है? मियुकी कहती है, अगर सिजुकी मुझसे कम्पीट करना चाहती है तो ठीक है, मैं भी पीछे नहीं हटूंगी। आइस पिलर ब्रेक वाला मैच चालू होता है। एक तरफ मियुकी होती है और दूसरी तरफ सिजुकी। मियुकी बर्फ़ का मैजिक करती है पिलर को तोड़ने में, और सिजुकी आग का। लेकिन सिजुकी को पता था कि मियुकी इतनी आसानी से ऐसा नहीं करने देगी, इसलिए सुजुकू गन का यूज़ करती है पिलर को तोड़ने में। यह देखकर मियुकी थोड़ा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने एक समय में 2 सीएडीज को यूज़ किया था और उसने यह सीख भी लिया है। यह देखते हुए मियुकी पूरे एरिया में फ्रीजिंग मैजिक यूज़ करती है और अंत में उसे जमाने के बाद फायर से ब्लास्ट कर देती है, और मियुकी जीत जाती है। इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। सुजुकू उदास बैठी होती है। फिर वहाँ होनुका आती है। सुजुकू उसे जीतने की बधाई देती है। असल में सुजुकू को बहुत बुरा लग रहा था मियुकी से हार के, लेकिन यह बात सुजुकू को भी पता था कि उसके जीतने के चांसेस 0 है। फिर वह गले लगकर रोने लगती है। होनुका उसका थोड़ा हिम्मत बढ़ाती है और कहती है, मुझे भूख लग रहा है, चलो चाय पीने। सीन चेंज होता है। तात्सुया को दिखाया जाता है। वह मसाकी और जॉर्ज के बारे में सोचता है। फिर हमें बताया जाता है कि 3 साल पहले मसाकी एक सोल्जर था और उसने बैटलफील्ड में बहुत बुरे तरीके से सबको मारा था, इसलिए उसका नाम प्रिंस पड़ा। फिर हमें जॉर्ज के बारे में बताया जाता है कि जॉर्ज एक जीनियस जादूगर है और उसका नाम दूर दूर तक फेमस है, यहाँ तक कि सभी रिसर्चर्स को भी उसके बारे में पता है। और तात्सुया को आश्चर्य इस बात से है कि किस्मत भी कितना अजीब है, वे दोनों क्रिमिनल्स एक ही स्कूल में है, वो भी एक साथ। फिर तात्सुया मन में ही सोच रहा होता है कि मसाकी और बाकी लोग रैंक ए का स्पेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब अलाव नहीं है, तो हमारा स्कूल आसानी से जीत सकता है। फिर हमें पता चलता है कि उनका दूसरा मैच 4th हाई स्कूल से है। सभी लोग कैंप में होते हैं। मियुकी और सुजुकू तात्सुया के पास आते हैं। तात्सुया को यह सब एक्सीडेंट लगता है, लेकिन सुजुकू बताती है कि उन पर किसी ने अटैक किया था। तब मियुकी कहती है, तुम ऐसा मत बोलो, यह सुनने में ठीक नहीं लग रहा है। हमें बताया जाता है कि मोरिसाकी और उसके साथी का मैच एक बिल्डिंग में था और अचानक उसके ऊपर उनका छत गिर गया। चेयरमैन बताती है, उनको बहुत गहरा चोट आया है, क्योंकि वे लोग मलबे के नीचे दब गए थे। तात्सुया कहता है, जिन्होंने भी ये किया है उन्होंने टूल्स तोड़ा है।
मायूमी कहती है, अभी वे लोग बेड में हैं और 3 दिन तक नहीं उठ पाएंगे। तात्या उनसे पूछता है, क्या वे लोग तीनों एक ही बिल्डिंग में थे? कोई कुछ नहीं बोलता है। तब मायूमी तात्या से कहती है, क्या तुम 1 मिनट के लिए मेरे साथ आ सकते हो? फिर वे लोग एक रूम में जाते हैं कुछ बात करने के लिए। तात्या कहता है, क्या तुम यह सोच रही हो कि यह सब सबोटेज ने किया है? चेरुबेन बताती है, ऐसा भी हो सकता है जैसे कि वे लोग मारी के साथ किए थे, यानी कि CAD में छेड़छाड़। फिर अगले पल कहती है, शायद ये सबोटेज ने किया है क्योंकि वे हमसे किसी बात का बदला ले रहे हैं। तात्या कहता है, ये उस इंसिडेंट से एकदम अलग है जो कि स्प्रिंग में हुआ था। मायूमी पूछती है, तुम इतने श्योर कैसे हो? तात्या बताता है, जिस दिन मैच शुरू होने वाला था उसके पिछले रात कुछ लोग होटल में घुसने का प्रयास किए थे और उनके हाथों में हथियार थे। मायूमी कहती है, ये सब बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब तात्या कहता है, असल में मुझे ये सब बात छिपाने के लिए कहा गया था। फिर तात्या उसे बताता है कि उसे पता चला है कि यहाँ पर वे लोग अटैक करने वाले हैं। तब मायूमी कहती है, तुम ज़्यादा खतरनाक एक्शन मत लेना। सीन चेंज होता है, हमें वही लोगों को दिखाया जाता है जो कि 3rd हाई स्कूल वाले मेंबर्स के लोग होते हैं, और हमें पता चलता है कि उन्होंने ये अटैक करवाया था ताकि उनको पॉइंट्स मिल सके। फिर हमें तात्या को दिखाया जाता है, वह 2 लड़कियों से बात कर रहा होता है उसके मैच को लेकर, और बताता है इसमें बस स्टेमिना का खेल है और इसमें 2 कंटेस्टेंट भाग लेंगे एक स्कूल के। तात्या उन्हें समझाता है, एक बंदी उनका ध्यान बटाना और दूसरी आराम से खेलना। फिर मिराज बैट कॉम्पिटिशन चालू होता है, वे लोग अच्छा खेल रहे होते हैं। तभी एक ऑडियंस में से कहता है, ये बंदी कितनी छोटी है और लग रहा है कि टोरस सिल्वर खुद ही मैच में है। असल में वे लोग तात्या की बात कर रहे होते हैं, यह सब आजूसा सुन रही होती है। फिर वह ध्यान से सोचती है, जितने भी मैजिक 1st हाई स्कूल वालों ने किया है वे सभी एडवांस मैजिक है, रैंक ए के, चाहे वह सुजुकू ने किया हो या मियुकी ने, सभी एडवांस मैजिक है और यह सभी मैजिक केवल ए रैंक के जादूगर कर सकते हैं टोरस सिल्वर की तरह। और यह सब बात तात्या ने खुद ही अपने मुँह से कहा था कि टोरस सिल्वर एक जापानीज बंदा हो सकता है मेरे या तुम्हारी तरह। फिर आजूसा को पता चलता है कि तात्या ही टोरस सिल्वर है, लेकिन वह इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी क्योंकि इतने दिनों से वह उसके साथ रह रहा था। सीन चेंज होता है, सभी लोग मीटिंग करते हैं और तात्या का आने का वेट करते हैं। फिर वहाँ तात्या आता है, चेयरमैन उसे कहती है, आज के मैच के लिए धन्यवाद और तुमने हमारा बहुत साथ दिया। तात्या भी उन्हें धन्यवाद करता है। फिर हमें पता चलता है कि 1st हाई स्कूल 1st पोजीशन में है और 3rd हाई स्कूल 2nd पोजीशन में है, वे लोग 50 पॉइंट्स पीछे है उनसे। इसके बाद मायूमी तात्या से पूछती है, क्या उसे पता है कि मासाकी और जॉर्ज भी मोनोलिथ में भाग ले रहे हैं? तात्या हाँ कहता है। फिर मायूमी कहती है, तो उन्हें तो हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, इस वजह से वह चाहती है कि तात्या भी इसमें भाग ले। तात्या उससे डायरेक्ट पूछता है, आखिरकार उसे क्यों चुना गया है? मायूमी बताती है, वह बेस्ट सब्स्टिट्यूट है इसलिए। वहीं मारी कहती है, तुम इसे एक लाइव कॉम्बैट मैच समझ कर खेलना क्योंकि तुम 1st ईयर में से सबसे बेस्ट हो। तब तात्या कहता है, इस मैच में जादू का यूज़ होता है और इसमें फिजिकल अटैक करना बैन है। तात्या अपना पूरा मन बना लेता है कि यह मैच नहीं खेलना है और बहाने बनाना चालू कर देता है और कहता है, स्कूल में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं तो स्टाफ में से क्यों चुना जा रहा है? सभी लोग चुप हो जाते हैं। तब प्रेसिडेंट कहता है, तात्या तुम बच्चों की तरह मत करो, तुम भी हमारे टीम के मेंबर हो और तुम्हें 200 स्टूडेंट्स के बीच में से चुना गया है। और कहता है, मैं समझ सकता हूँ कि मायूमी ने तुम्हें क्यों चुना है, क्योंकि हमारे पास प्लेयर्स नहीं है और एक मेंबर होने के नाते तुम्हें अपना ड्यूटी पूरा करना पड़ेगा, यह तुम्हारे लीडर का ऑर्डर है, तुम इसे ठुकरा नहीं सकते, चाहे वह कोई भी हो, लीडर का बात मानना पड़ेगा। तात्या इसके लिए मान जाता है और पूछता है, उसके बाकी के मेंबर्स कौन होंगे? प्रेसिडेंट कहता है, यह तुम खुद डिसाइड करना कि तुम्हें कौन टीममेट्स चाहिए। तात्या कहता है, क्या मैं किसी को भी चुन सकता हूँ चाहे वह टीम में ना हो? मायूमी इंटरफेयर करती है, लेकिन प्रेसिडेंट इसका परमिशन उसे देता है। फिर तात्या मिकी को और लियो को अपना टीममेट चुनता है। मारी उसे पूछती है, आखिर उसने उन लोगों को ही क्यों चुना? तब तात्या बताता है, वे दोनों बहुत से मैचेस देख चुके हैं और तात्या को उसके स्किल्स के बारे में पूरी तरह पता नहीं है। और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है, अगला एपिसोड देखना ना भूले क्योंकि आखिरकार वह दिन आ ही गया जब तात्या और मासाकी में बैटल होगा। इसलिए आप हमें भी सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।